लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है शिवालिक हाउस की ये झांकी। चमन जा रहे मोहब्बत में उसी में बागवानी की, जिसने मेहनत को मेहनत का समर जाना, नहीं होता मोहताज नुमाइश फैज सबनम का, अंधेरी रात मोती लुटा जाती है गुलशन में, अंधेरी रात में मोती लुटा जाती है गुलशन में। अब आपके सामने प्रस्तुत है शिवालिक हाउस की झांकी। इस झांकी में हम अपने सेना की स्थिति को दर्शाने जा रहे हैं, सेना किस प्रकार से किस भीषण परिस्थिति से जूझते हुए हमारे देश की रक्षा करती है और सरहद पर तैनात करती है। हम परमाणु भी रखते हैं, हम हर प्रकार के हथियार रखते हैं, पर हिंदुस्तान कभी भी परमाणु या किसी भी हथियार पर हथियार के उपयोग करने पर विश्वास नहीं रखता। हमारा मुल्क हमेशा अहिंसा को पूजता है, मगर जब कोई हम दुश्मन हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखने का प्रयास करे तो ये हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम महात्मा गांधी को भी पूजते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी, पहले हम भी बात से समझाते हैं और फिर हथियार से। किसी भी देश की सेना अगर कोई जंग जीतती है तो वो जंग उसके हथियार से नहीं, उसके परमाणु से नहीं जंग जीता जाता, जंग उस देश की सेना के सम्मान से जीता जाता है। अगर देश के नागरिक उस देश की सेना का सम्मान करे तो संभवतः हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की सेना किसी भी मुश्किल से मुश्किल मकसद को आसानी से हासिल कर सकती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे देश की सेना जब घर को आ रही होती है तो हमारे देश के छात्र, बुजुर्ग, विकलांग, किसान, हर वर्ग के लोग, हर लोग उस सैनिक का सम्मान करते हैं, हर लोग उस सैनिक को उतना महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी जंग, कोई भी मकसद, कोई भी चीज इतनी आसानी से फतह नहीं होती। आज कोई भी देश कोई भी जंग अगर जीत पा रहा होता है तो उसके पीछे उस देश के नागरिकों का सहयोग होता है, और सहयोग उस देश के नागरिकों का सम्मान जो वो सैनिक को देते हैं उसी से आता है। और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश देश के सैनिक को इस प्रकार से सहयोग मिले, उस देश के सैनिक का हौसला इतना ऊंचा होगा कि कोई ऊंचा से ऊंचा मकसद क्यों ना हो, हमारे देश के सैनिक बेहद ही आसानी से उस मकसद को हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, जब सेना की जो नौकरी है या जो सेना की हम कहे जो उनका जीवन है वो एक तपस्या से कम नहीं है। छुट्टी कोई भी अगर छुट्टी भी क्यों ना हो, उन्हें छुट्टी छोड़ना पड़ता है, अपने घर को छोड़कर किसी भी वक्त मोर्चा संभालना होता है। ये बेहद ही जिम्मेदाराना कार्य उन सेनानियों का होता है जो उन्हें करना पड़ता है।
एक आदेश मिला तो घर को भी छोड़कर उन्हें सरहद पर तैनात होना पड़ता है। इनकी जिंदगी बिल्कुल इसी तरीके की है। इसी के बाद इन्हें क्या हुआ यार, और सरहद पर ये पता ही नहीं चलता कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है। अगर एक चांद दिख जाए तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, पता ही नहीं चलता। भले हम देश के अंदर क्यों ना अपने सीमाओं को, राज्य को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर बांट क्यों ना दे, मगर सरहद पर ये पता ही नहीं चलता कौन किस धर्म के हैं, कौन किस मजहब के हैं। यूं तो हम अपनी जवानी इश्क में बर्बाद करते हैं, मगर उन जवानों ने तो मानो अपनी जवानी ही बर्बाद कर दी हो। देश के खातिर खुदा से मिल गए ऐसे कि मानो जान देकर देश को आवाज कर दी हो। आज भी इस मिट्टी में लहू का रंग दिखता है, जवानों की शहीदों की भी आंखें भी कभी ना नम हुई होगी, अमर होकर चिता पर भी सुकून रंग दिखता है। जान देकर इस जहां में गुल खिला के इतिहास में दफ्त होकर जवानी को हम इसको मोहब्बत से गुलजार करते हैं। उस जवानी में वे आग लगा के चल गए, याद आती है वो रातें, दफ्त होती थी जब साते, उस भयानक वक्त में भी खिल खिलाती थी वो रातें, दिल खिला के कहती थी माए, क्या खूब त्याग किया आपने कि आपकी यादों में नम हो जाती है आंखें, आपकी यादों में नम हो जाती है आंखें। आओ झुक कर सलाम कर उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो जिनका खून इस देश के काम आता है। भगत सिंह ने को जब फांसी पे बिठाया जा रहा था, एक दिन पहले उन्होंने कहा था, उसे यह फिक्र है हर दम नया तरके जपा क्या है, हमें यह शौक है देखे इस किस्म की इंतहा क्या है, बाहर से क्यों घपा करे चर को क्यों गिला करे। जब तो क्योंकि
किया करे, सारा जहां अदू आओ सही मुकाबला करे। कोई दम में महमा हूँ ऐसे महफिल जी आगे शहर हूँ बुझाता हूँ, हवा दे रहे ये मुझसे खाक फानी रहे ना रहे। खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।